नाजी पार्टी, जिसने जर्मनी के मेनलैंड के ऊपर 1933 से लेकर 1943 तक राज करा, या डिक्टेटरशिप भी कहा जाए तो वो कहीं गलत नहीं है। इस राज के अंदर उन्होंने यूरोप के काफी इलाके जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी, फ्रांस, बाल्टिक स्टेट्स एंड काफी और ज्यादा बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा करा। पर आखिर में कुछ ऐसा हुआ कि उन लोगों को अपने दुश्मनों से बहुत मोटी हार झेलनी, वो हार उनकी हुई कैसे वो हम जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले अगर आपको ये चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही और मजेदार वीडियोस और मिलती रहे। जय हिंद, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर 1 सितंबर 1939 पे नाजी जर्मनी पोलैंड पे हमला स्टार्ट कर देता है और नॉर्थ ईस्टर्न साइड यानी सीधा अपोजिट साइड से यूएसएसआर भी पोलैंड पे हमला स्टार्ट करता है, दोनों पोलैंड को खत्म कर देते हैं। जनवरी 1940 नाजी जर्मनी डेनमार्क और नॉर्वे पर हमला स्टार्ट करके उन्हें कैप्चर करने में सक्सेसफुल रहता है। इस पॉइंट पर नाजी जर्मनी बेल्जियम और नेदरलैंड्स पे हमला कर देते हैं और इसके साथ साथ फ्रांस पे भी अपना हमला बढ़ा देते हैं। युद्ध को बढ़ता देख फ्रांस सरेंडर कर देता है और नाजी जर्मनी इटली के साथ मिल जाता है। डायरेक्टली ऑपोजिट यूएसएसआर बाल्टिक स्टेट्स लिथुआनिया, एस्टोनिया, लात्विया पे कब्जा कर लेते हैं। यूएसएसआर यूरोप के सर्दर्न साइड पे भी हमला स्टार्ट कर देता है। यूएसएसआर के हमले को देख सर्दर्न साइड यूरोप के कंट्रीज अपने आप को सरेंडर कर लेती है, पर नाजी जर्मनी उन्हें डायरेक्टली कैप्चर करने के रास्ते पे आ जाता है और नाजी जर्मनी सर्दर्न यूरोप के काफी बड़े इलाकों पर कब्जा करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर सारी साउदर्न कंट्रीज एक जगह आ जाती हैं और नाजी जर्मनी उन सब पर हमला करके उन्हें कैप्चर कर लेता है। इस टाइम पर नाजी जर्मनी का मैप बहुत ही बड़ा लग रहा होता है, जैसे कि यूरोप नाजी जर्मनी के अंडर ही आ गया हो। और यहाँ पर नाजी जर्मनी फिनलैंड के साथ साथ यूएसएसआर पे भी अपना हमला स्टार्ट कर देता है ताकि उसे बहुत ज़्यादा पावर मिल सके और वो यूएसएसआर की कैपिटल मॉस्को पे कब्जा करके पूरा यूएसएसआर अपने अंडर कंट्रोल कर ले। नाजी जर्मनी जो कि यूएसएसआर के काफी हिस्सों पर कब्जा कर लेता है पर अभी तक इनकी कैपिटल पे कब्जा नहीं कर पाया। इसी समय यूएसएसआर के जो रूलर थे वो थे जोसेफ स्टालिन। यहाँ से यूएसएसआर नाजी जर्मनी को कई इलाकों से वापस ढकेल देता है और जो नाजी जर्मनी है वो यूएसएसआर के सर्दर्न साइड्स पे अपना कब्जा फिर से करने लगता है और यूएसएसआर को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश करता है। जुलाई 1943 इस समय नाजी जर्मनी फ्रांस पर भी कब्जा कर लेता है। इस समय जो नाजी जर्मनी का यूएसएसआर को दो हिस्सों में बांटने का प्लान था वो फेल हो जाता है, यूएसएसआर उन्हें वापस भेजने में सक्सेसफुल रहता है, इवन उनकी टेरिटरीज में भी यूएसएसआर घुस जाता है।
मैप में जहां पर आपको इटली दिख रहा है, यहां से भी दूसरी एलाइड एक्सिस पावर्स जो थी वर्ल्ड वॉर टू के दौरान, वो नाजी जर्मनी पे हमला वापस स्टार्ट कर देते हैं ताकि उन्हें उनका लैंड वापस मिल सके। और उधर ही नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर नाजी जर्मनी को यूएसएसआर से काफ़ी ज़्यादा इलाकों में हार मिलती है। इवन यूएसएसआर काफ़ी पावरफुल होता है ताकि वो नाजी जर्मनी को वापस धकेल सके। इसी समय यूएसएसआर क्रीमिया पर कब्जा करने में सक्सेसफुल रहता है। फिर नॉर्थ वेस्टर्न साइड से ग्रेट ब्रिटेन भी अपना हमला स्टार्ट करता है नाजी जर्मनी की तरफ, और इधर वेस्टर्न साइड से भी काफी हमला स्टार्ट। इस समय ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस को कब्जाने में सक्सेसफुल रहता है और नाजी जर्मनी को साउथ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड से यूएसएसआर, ब्रिटेन एंड अदर अलाइड एक्सिस पावर्स यानी कि अमेरिका एंड फ्रांस भी हमला स्टार्ट, जिसके दबाव में आकर नाजी जर्मनी काफी ज्यादा अपनी पावर को खो देता है। और यहाँ पर हर साइड से काफी हमला बढ़ चुका होता है, जिसके कारण वर्ष यहाँ पर नाजी जर्मनी जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। एंड आप देख ही सकते हैं यूएसएसआर कितना पावरफुल है और यहाँ पे नाजी जर्मनी एंड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय। हु वॉज द डिक्टेटर ऑफ नाजी जर्मनी, नाजी जर्मनी का डिक्टेटर कौन था, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा।